नमस्ते, लक्ष्मी होम रेसिपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टफ इडली बनाएंगे, वो भी कॉर्न स्टफ करेंगे, भरेंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक चम्मच ऑयल ले लिया, कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। तो उसमें मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, ये बहुत ही अच्छी बनती है। इससे इडली का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम एक कटोरी लगभग कॉर्न डाल देंगे। आपकी इडली जितना बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसमें हम कॉर्न को अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, उससे काफ़ी अच्छा स्पाइसी तीखापन बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सब चीज़ों को हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा कॉर्न अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और हमारा प्याज पक ना जाए। उसके बाद इधर हम पानी को गर्म कर लेंगे, इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हमें अपना इडली स्टैंड को इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। जो इडली बैटर है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ये बैटर उसी तरह से मैंने बना के रखा है। इस तरह से मैं पहले इडली का बैटर थोड़ा सा डाल दूंगी, उसके ऊपर हम कॉर्न को इस तरह से फैला देंगे। ये बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। काफ़ी इडली का स्वाद काफ़ी चटपटा और तीखा हो जाता है, जिसे खाने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो बैटर हम अब ऊपर से डालेंगे ताकि अच्छे से इडली में हमने जो कॉर्न डाला वो अच्छे से कवर हो जाए। इस तरह से हम डाल देंगे। अब इस तरह से लगभग हम 15-20 मिनट इसे हम कुक होने देंगे। इतने देर में ये अच्छे से ये कुक हो जाएगी, तो हम इसे कुक होने देंगे। इस तरह से आप नाइफ या स्टिक की सहायता से चेक कर सकते हैं कि इडली हुई है कि नहीं। इस तरह से देखिए, हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए ये लगभग क्लीन निकल गई, इसका मतलब हमारा इडली बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चटनी सांभर जिसके साथ भी सर्व करना चाहते हैं सर्व कर सकते हैं। उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें, फिर उसे निकाल लें और इस तरह से सर्व करें, खाएं, एंजॉय करें। अभी गर्मी है तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, अच्छा है, तो आप भी ट्राई करें। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट फुली फुली इडली बनी है। तो बैटर का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, सांभर का भी डाल रखा है, तो आप वो जाकर देखें। ये देखिए हमारी इडली बनकर रेडी हो चुकी है, कॉर्न इडली। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।